नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बुधवार को प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और उनके पुलिस महानिदेशक DS चौहान अपने अधिकारियों के लाभ लश्वर के साथ ही वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर परिसर में यह मेला मकर संक्रांति पर्व से पहले शुरू हो जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आसपास के जिलों के अलावा नेपाल और अन्य देशों के भी लोग पहुंचते हैं। इसकी संख्या 2 से 2.5 लाख हो जाती है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था में भी कोई कसर ना रह जाए, आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा मंदिर परिसर में मिले, उसकी निगरानी करने के लिए दोनों अधिकारियों द्वारा दिन में करीब 12 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और साथ ही भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया है। मंदिर में व्यवस्थात्मक सचिव द्वारका तिवारी ने इन दिनों अधिकारियों को यह भी व्यवस्था और साथ ही धार्मिक महत्व के बारे में भी बताया है। तो वही अधिकारियों ने मिले फीडबैक को भी दोनों के सूक्ष्म विश्लेषण पर बताकर मीडिया के सामने रखा है। उन्होंने लोगों को बदलते हुए उत्तर प्रदेश का यहाँ आने के बाद अनुभव होना चाहिए इस बात की प्रयास किया है। यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं अपनी आस्था को लेकर, प्रार्थना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ खिचड़ी का प्रसाद जो है वो भगवान को पेश करते हैं। लॉकडाउन के बाद में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो हमें पूरा ये विश्वास है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 3 स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक तो है भीड़ नियंत्रण की, क्राउड कंट्रोल की, दूसरा उनके सेफ्टी इश्यूज के लेकर जहाँ पर फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं, और तीसरा उनकी सुरक्षा को लेकर। यहाँ 3 चक्रीय व्यवस्था की गई है और उस 3 चक्रीय व्यवस्था के अनुरूप पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, सर आज आप गोरखनाथ मंदिर आए हुए हैं, तब क्या कहना चाहिए, क्या नीचे करिए, आप लोग जब बोलना बंद करेंगे तो फिर बात कर सकते हैं, आप लोग अगर बोलना बंद करेंगे तो हम बात कर सकते हैं। जी सर, अलीगढ़ के घंटाघर पार्क में गौरव सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी में महिलाओं और साथ ही छात्राओं ने दिल्ली के बेहद शर्मनाक अंजलि हत्याकांड को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और अंजलि की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं महिलाओं ने सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। वो इस दौरान बता दें कि ACM द्विवेदी बता दें कि सुधीर कुमार को सौंपा गया है ये ज्ञापन। जानकारी देते हुए गौरव ने बताया है कि भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर की रात देश की अदर्भ बालिका की बेहद शर्मनाक हत्या की गई है, जिसे पूरे देश में महिला एवं छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसी प्रकार उनके कुशल नेतृत्व चले उत्तर प्रदेश में भी माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, जबकि आपके उत्तर प्रदेश को भव्य मुक्त कराने के लिए संकल्प ले रखा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि दिल्ली जैसी घटना को पुनरावृत्ति ना हो और आप अपने स्तर से पुलिस को सख्त से सख्त निर्देश दें। साथ ही उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे यहाँ के समस्त पुलिस बल चौराहे पर ज्यादातर अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उसी सभी की आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए। उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय और महाविद्यालयों पर भी छात्रों की असुरक्षित रोमिया चौक में पुनः सक्रिय किया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में समस्त धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाने वाली महिलाएं और युवतियों के विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। ये तमाम तरीके की उन्होंने बता दें कि ज्ञापन सौंपते हुए अपनी तमाम तरीके की मांग सरकार के सामने रखते हुए नजर आए हैं।
कासगंज में देर रात तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया है। तहसीलदार ने रेन बसेरे और साथ ही अलाव की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए इस दौरान वहां का जायजा लिया है, साथ ही तमाम तरीके के दशा निर्देश भी दिए हैं। बताते हैं कि पंचायत द्वार सर्दी से बचने के लिए की गई व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान अवश्य जगहों पर अलाव जलावाने के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि नीरी क्षण के दौरान तहसीलदार अरविंद गौतम ने रेन बसेरों का इस दौरान निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। सीतापुर में बीएसपी नेता की हत्या के बाद से पुलिस ने हत्या के आरोप में पुलिस ने राजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिटाई से आरोपी राजू की मौत पर मृतक को जिला अस्पताल में भर्ती डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया, जिसके बाद से यह पूरा मामला थाना पिसवा इलाके की जगनिया गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बता दें कि बीएसपी नेता की हत्या के मामले में अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सीतापुर का ये पूरा मामला है जहां पर बीएसपी नेता की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद से अब आरोपी राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के उतरौला विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे आरिफ अनवर हाशमीन की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। बलरामपुर के प्रशासन द्वारा उनकी लगभग 11 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। वहीं अब अगर बात हम करें कि पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी लंबे समय से जेल में बंद है और लगातार उन पर कार्रवाई देखी जा रही है। उनके तमाम संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसी क्रम में आज भी यह कार्रवाई की गई है। पूरे विधायक की अब तक जिला प्रशासन द्वारा 120 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मामला जिले के उतरौला और साथ ही सदुलार नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यहां के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर बलरामपुर में भू माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली उतरौला और थाना सबको बता कि सादुला नगर क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। माफियाओं में से चिन्हित कुख्यात माफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफार हाशमी निवासी अहरौली सादुला नगर के आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं अपने परिजनों के लिए अर्जित की गई शेष संपत्तियों में से आज जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के मुकदमा अपराध संख्या 156/20 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत हुए आदेश के क्रम में कुल 7 संपत्तियां नियमानुसार जब्त की गई हैं, जिनमें ग्राम सादुल्ला नगर, ग्राम कमरपुर, ग्राम जुनेदपुर एवं ग्राम मनुआगढ़ में स्थित संक्रमणीय कृषि भूमि, ग्राम सादुल्ला नगर में संचालित आरा मशीन एवं ग्राम जुनेदपुर में संचालित पेट्रोल पंप शामिल हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य 6 बता दें कि आस पड़ोस के लोगों ने आग पर पानी डालकर आग पर किसी तरीके से काबू पाया है। पीड़ितों का कहना है कि घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। वहीं ये पूरा मामला बता दें कि सिंधपुरा कस्बे के नेहरू नगर का बताया जा रहा है। फरुखाबाद में बेखौफ पेड़ माफिया अवैध पेड़ों पर काटने पर नजर देखने को मिलते हैं। साथ ही बता दें कि साथ ही वन विभाग और पुलिस की मदद से अवैध पेड़ों को यहां पर कटा जा रहा है। दरअसल यह प्रतिबंधित पेड़ धरले से काटे जा रहे हैं, साथ ही शासन प्रशासन के आदेशों का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि इन पेड़ माफियाओं पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वही बता दें कि यह पूरा मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के नगला नांग का बताया
दिखाया जा रहा है, जहां पर लगातार पेड़ माफियाओं के हौसले बुलंद है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अवैध पेड़ों को काटा जा रहा है और जिस पर लगातार प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि पुलिस की मदद से ही इन पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके बाद से लगातार प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही और मिलीभगत के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई है। दरअसल प्रसव के लिए सीएचसी पहुंची महिला को महिला स्वास्थ्यकर्मी ने प्राइवेट क्लिनिक में भेजा, जहां पर प्राइवेट सिटी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला के नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद से परिजनों को बिना बताए नवजात शिशु को प्राइवेट क्लिनिक कर्मियों ने बता दें कि डगमरा नाले में झाड़ियों में फेंक दिया और भर्ती महिला की हालत नाजुक बताकर उसे सीएचसी सिरसिया पुना रेफर कर दिया गया। सीएचसी स्वास्थ्यकर्मियों ने खून की कमी और ऑपरेशन करने पर प्रसव की बात कहकर जिला अस्पताल रेफर किया था। वहीं जिला अस्पताल पहुंची प्रसव पीड़ित महिला के परिजनों को डॉक्टर ने बच्चा ना होकर प्रसव हो जाने की बात कही। जानकारी मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया, नवजात की तलाश शुरू हो गई और इस दौरान सूचना देने पर वहां मौके पर पुलिस पहुंची और नवजात का शव डगमरा नाले के झाड़ियों के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। साथ ही बता दें कि परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा हुआ कि जब सुबह मेरी दीदी को लेकर वो लोग एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल पहुंचे, तो सरकारी अस्पताल में जो कर्मचारी का थी उनका नाम था कामनी, कामनी मैडम ने उन्हें बुलाकर प्राइवेट अस्पताल के एक तो साथ में वहाँ का जो असिस्टेंट था उससे भेज दिया, और मेरे जो दीदी के साथ जो लेडीज़ गई थी उनको तो वहीं पर रहने दिया और दीदी को लेकर लगभग घंटे भर के लिए अपने अस्पताल में भर्ती किया। घंटे भर के बाद दीदी को बाहर निकाल के बैठा दिया। डिलीवरी केस था, घर पे एम्बुलेंस बुलाए, वहाँ से लेके सिरसिया गए अस्पताल में, वहाँ पर एक डॉक्टर ने प्राइवेट में हमको रिफ़र कर दिया सीधा। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ बोला कि इसका बड़ा ऑपरेशन होगा, वहाँ बोले कि हम फिर ठीक है आप जाए, हम जा रहे हैं घर पे, घर से आएंगे तो हम भी बताएंगे। वहाँ पर डिलीवरी हो चुका, उसके बाद में रिफ़र कर दिए भिनगा, भिनगा आए, भिनगा में बोले कि यहाँ पर बच्चा भी नहीं है। ये मेरे अभी संज्ञान में आया है, इसकी अभी कोई लिखित मुझे शिकायत नहीं मिली है, लेकिन संज्ञान में आते ही मैंने जो स्टाफ नर्स थी ड्यूटी पे उस वक्त उसको मैंने तत्काल वहाँ से हटा दिया है, और एक जाँच कमेटी हम अभी उसको जब लेटर कोई मिल जाता है मुझे तो उसके बाद जांच कमेटी बैठा करके जो भी दंडनीय कार्रवाई होगी किया जाएगा उसके। हरदोई के बघौली इलाके में मेडिकल स्टोर की आड़ में टीचर और अवैध शराब का कारोबार करने वाले मामले में बुधवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और आरोपी को 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को ढोल बजाकर कुर्क किया गया है। वही कार्रवाई एसडीएम सदर और सीओ बघौली के नेतृत्व में की गई है। डीएम ने बता दें कि संपत्ति को सदर एसडीएम को रिसीवर नियुक्त किया है। दरअसल डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बघौली थाने में 17 अक्टूबर को दर्ज उप्र गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में दी गई रिपोर्ट पर कुर्की का यह आदेश पारित किया है। यह मुकदमा बघौली थाने के तैनात रहे थानाध्यक्ष सोमपाल गंगावार ने दर्ज कराया है और इसकी विवेचना कछौना कोतवाल संदीप सिंह कर रहे हैं। कछौना कोतवाल की ओर से बघौली थाना क्षेत्र के अड़गापुर निवासी वीरपाल और 3 अन्य के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट में परीक्षण में पाया है कि अड़गापुर निवासी वीरपाल के आर्थिक और भौतिक लाभ के उद्देश्य से अवैध रूप से शराब की तस्करी, मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीले टिंजर और साथ ही विक्रय कर अपराधियों को कृत किया गया है। इसमें अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कराया जाएगा और इसी आदेश के बाद से बुधवार को पुलिस ने प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ इसकी संपत्ति को कुर्क किया है। ये थाना बघौली का वीरपाल नामक अभियुक्त है जो कि आबकारी संबंधी अपराध करने में लिप्त था और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया। इसमें गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी हरदोई द्वारा इसके 1 प्लॉट 2 खेत और 1 वाहन सीज किया गया है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है।
और ये कार्रवाई जब्तीकरण की कार्रवाई सीओ भगोली और एसडीएम सदर के देखरेख में की गई। इन संपत्तियों का रिसीवर एसडीएम सदर को नियुक्त किया गया। आज तक सुना था कि माँ माँ होती है, फिर चाहे वो सगी हो या सौतेली हो, लेकिन एक कलयुगी माँ ने जमीन के सामने अपनी सौतेली 5 वर्षीय बच्ची पर जुल्म ढाकर सच्चाई को संदेश में डाल दिया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से एक माँ का जुल्म सामने आया है। मामला बता दें आपको कि विकास खंड मुजफ्फराबाद के ग्राम कुर्ढी खेड़ा का है, जहाँ अपने पिता के साथ सामुदायिक केंद्र फतेहपुर के इलाज के लिए आई बुरी तरह से घायल 5 वर्षीय बच्ची शहरी ने अपने सौतेली मां के जुल्मों की दास्तां सुनाई है, जिसके बाद से उसे सुनकर भी डॉक्टर के साथ अस्पताल में सभी लोग सन्न रह गए। उनके पिता के इसराल के अनुसार कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और जो अपने पीछे एक लड़की शहरीन को छोड़कर गई थी। छोटी बच्ची की परवरिश और उसके माँ के प्यार देने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी की और उसके बाद से शादी के कुछ दिन बाद ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद आशिया को एक लड़का हुआ और बस पुत्र के जन्म होने के बाद से ही दूसरी पत्नी में छिपे शैतान दिखने लगा। पिता ने बताया कि कल भी वो जब घर आए तो आशिया के शरीर पर, आपको बता दें कि पड़े चोट के निशान देखकर वे हक्का बक्का रह गए। उसने उनसे पूछा तो पहले वे डरी सहमी बच्ची ने कुछ नहीं बताया, बाद में उसने अपनी सौतेली माँ के जुल्म की दास्तां सुनाई, जिसे सुनकर वे रोने लगे और बच्ची को इलाज के लिए फतेहपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। जब डॉक्टर ने बच्ची के शरीर पर पड़े निशान देखा तो बच्ची से पूछताछ की। बच्ची रोते हुए अपने आप बीती बताई और साथ ही सौतेली माँ के जुल्म के बारे में बताया गया। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर बाइक सवार को, आपको बता दें कि रोंते हुए पिकअप खाई में पलट गई है। इस हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पिकअप पर सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस से घायलों को CHC महलीपुर भेजा गया है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं ये हरदत्त नगर थाना अंतर्गत जुमनेही गाँव की घटना बताई जा रही है। दिल्ली में लड़की के साथ हुए मामले में अभी देश में तहलका मचा हुआ है। इसी बीच हरदोई के गन्ने के खेत में मिली अज्ञात युवती के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अज्ञात युवती के शव के पोस्टमार्टम में ये सामने आया है कि उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया है। हालांकि पुलिस का मानना है कि जंगली जानवरों ने युवती के शव के कई हिस्से खा गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर युवती की मौत का भी कारण का उल्लेख हुआ है, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार लगा गर्म है। दरअसल हरदोई के टडियावा गोपाऊ रोड पर एक ईंट भट्टे के निकट चकरौट के किनारे गन्ने के खेत में एक युवती का शव बरामद हुआ है। युवती के शव कई दिनों पुराना बताया जा रहा है। उनके शव के कई हिस्से जानवरों ने खा लिया है। वहीं युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं SP ने मौके पर अधिकारियों के साथ पहुंचकर पड़ताल की है और बताया है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। सनसनीखेज घटना की जानकारी शनिवार को लोगों ने उस वक्त हुई जब ये लोग गन्ने के खेत की तरफ पहुंचे और गन्ने के खेत में युवती का शव देखकर सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से SP राजेश द्विवेदी, ASP पश्चिमी दुर्गेश सिंह और CO हरियावा शिल्पा कुमारी भी मौके पर पहुंची और पूरे घटना के बारे में जानकारी दी है। गन्ने के खेत में एक 22 वर्षीय युवती, जो कि अज्ञात युवती थी, जिसका शव बरामद हुआ था, जिसको देखने से लग रहा था कि 3-4 दिन पुराना शव है और जंगली जानवरों ने शरीर के कई अंगों को, हाथ, पैर, पीठ, पेट इत्यादि खा लिया था। कितनी खबर बच गई है ये पूछ रही हूँ। चलो लो, आप ऑन एयर लो, वो लो, आप लो ऑन एयर लो।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस ने उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब मुखबिर की सूचना पर 15,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी को पॉस्को एक्ट के सहित अन्य मामला दर्ज है। दरअसल आपको बता दें कि थाना बंडा के रहने वाले अपराधी मुसारी लाल पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुरारी लाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में थाना बंडा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना बंडा पुलिस द्वारा 15,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी मुरारी लाल को गिरफ्तार किया गया है, जो लगभग 4 माह से 376 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिशें दी जा रही थी और मुखबिर की सटीक सूचना पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसे थाना बंडा पर दाखिल करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर बता दें कि कई समय से फरार चल रहा आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15,000 का इनामी बदमाश ये बताया जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए मुरारी लाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगातार उससे पूछताछ जारी है और इस दौरान बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस को इस वक्त सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। 15,000 का इनामी बदमाश है ये मुरारी लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बता दें कि इनामी बदमाश है कई मामले में इस पे कई तरह के मामले दर्ज है और 15,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने अब इस मामले में उसको गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और बता दें कि पॉक्सो एक्ट सहित अन्य मामले में इस पर कई मामले दर्ज थे। दरअसल आपको बताते चले कि थाना बांडा का रहने वाला अपराधी मुरारी लाल पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार चल रहा था और जिसके बाद से पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मुरारी लाल को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है क्या कई और मामले में क्या उनके साथ और भी कोई गिरोह शामिल है या नहीं है, इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। और बता दें कि शाहजहांपुर में यह 15,000 का इनामी बदमाश को लगातार हिरासत में लेने के बाद पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है कि किस तरीके से वो फरार चल रहा था और इस दौरान फरार के दौरान वे कहां मौजूद था, क्योंकि लगातार इसके ऊपर कई तरह के मामले दर्ज हैं और इस 15,000 के इनामी बदमाश को लगातार पुलिस तलाशने में जुटी हुई थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।